नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछला वीडियो में हम आप लोग को बीजगणित पार्ट वन बताए थे, आज हम आपको बीजगणित पार्ट टू लेकर आ रहे हैं। तो अगर पार्ट वन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आज पार्ट टू लेकर आए हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताया जाएगा जो कि परीक्षा में पूछ चुका है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस दिन हम बताए थे ये इस टाइप का एक सवाल कि यदि x जोड़ 1 बटा x के होल स्क्वायर बराबर 3 हो तो हम लोग को निकालना था इस रूप में कि x के पावर 48 प्लस x के पावर 42 प्लस x के पावर 30 प्लस एक्स के पावर 24 प्लस एक्स के पावर 12 प्लस एक्स के पावर 18 प्लस एक्स के पावर 12 प्लस एक्स के पावर 6 प्लस वन बराबर वन क्या होगा। तो हम बताए थे कि यदि एक्स जोड़ 1 बटा एक्स बराबर 3 दिल रहे हैं तो होल स्क्वायर बराबर 3 दिल रहे हैं तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं x जोड़ 1 बटा x बराबर रूट 3। अब उसमें हम एक थ्योरम सिद्ध किए थे कि यदि x जोड़ 1 बटा x बराबर रूट 3 हो तो x क्यूब जोड़ 1 बटा x क्यूब बराबर हो जाता है क्या 0। फिर इसी को हम सिद्ध किए थे कि x के पावर 6 प्लस 1 बराबर भी क्या हो जाता है 0। अब इसी के तहत इसको हम हल करते हैं तो ये दोनों में से हम x के पावर 42 कॉमन कर लेंगे, x के पावर 42 कॉमन कर लेंगे, बचेगा एक्स के पावर 6 प्लस होगा। ये दोनों में एक्स के पावर 24 कॉमन कर लेते हैं, एक्स के पावर 24 कॉमन कर लेते हैं, बचेगा एक्स के पावर 6 प्लस 1। अब ये दोनों में से एक्स के पावर 12 कॉमन कर लेते हैं तो एक्स के पावर 6 प्लस 1, इधर बच जाएगा एक्स के पावर 6 प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब एक्स प्लस 1 और एक्स बराबर 3 हो तो एक्स के पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होता है 0 होता है। यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो x के पावर 42 गुना 0 प्लस x के पावर 24 गुना 0 प्लस x के पावर 12 गुना 0 प्लस इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी हो जाएगा 0। यानी जब x जोड़ 1 बटा x के होल स्क्वायर बराबर 3 हो x के पावर 48 प्लस x के पावर 42 प्लस x के पावर 30 प्लस x के पावर 24 प्लस x के पावर 48 प्लस x के सॉरी x पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। उस दिन भी उस पिछला वीडियो में भी हम यही बताए थे। चलिए अब प्रीवियस कुछ सवाल ले लेते हैं। यदि x जोड़ 1 बटा x बराबर 5 तो सवाल पूछ रहा है x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 बटा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3x बराबर क्या होगा। ये सवाल CGL में पूछा हुआ है, CGL का PT में पूछा हुआ 2012 में। इस टाइप का दो सवाल उस टाइम पूछा था। चलिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। हम उस दिन बताए थे कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो इसको तोड़ देना है, या ये नहीं टूटा हुआ, ये नहीं टूटा हुआ रहेगा तो इसको तोड़ना है, ये नहीं टूटा रहेगा तो इसको तोड़ना है, ज़बरदस्ती तोड़ताड़ करना है। यहाँ पे अभी सवाल ने एक्स जोड़े को एक्स बराबर 5 हमारा सब कुछ एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर 4 नहीं यहाँ पे स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर अब बटा नीचे हम इसको सरिया कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर से हम x कॉमन करते हैं तो बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब हो जाएगा क्योंकि इसमें से x कॉमन ही होगा तो x पूरा हो जाएगा। अब बटा नीचे से भी x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 3 अब प्लस 1 बटा एक्स एक्स कट जाएगा बचेगा क्या एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू अब बटा इसको सरियाते हैं तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स अब माइनस
अब यहाँ पे इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते थे कि एक्स जोड़े एक बड़ा एक्स बराबर पाँच दिया हो रहे हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब बराबर होता है एक क्यू यानी पाँच के क्यू माइनस थ्री गुना फाइव, यानी एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब बराबर होता है एक सौ पच्चीस माइनस पंद्रह, एक्स क्यू प्लस एक बटा एक्स क्यू बराबर हो जाएगा एक सौ दस। अब यहाँ पे मान पुट कर देते हैं तो एक सौ दस अब बटा एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान कितना है पाँच माइनस तीन, यानी एक सौ दस अब बटा टू बराबर पचपन, यानी एक्स जो एक बटा एक्स बराबर पाँच देने हैं एक्स के पावर फोर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा पचपन हो जाएगा। सिमिलरली इसी पर एक सवाल और है उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। इसको बढ़िया से ध्यान से देखिएगा क्योंकि सीजी यूएसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये सब है। टू एक्स प्लस वन बटा थ्री एक्स बराबर फाइव, तो सवाल पूछा है 5x बटा 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 बराबर, यही सवाल है। अब इसको हम लोग को हल करना है। तो अभी बताए थे कि इस रूप में रहेगा तो ज़बरदस्ती तोड़ ताड़ के वही करना है। पहले हम लोग चेक कर रहे थे इसको हल करके देखते हैं कोई उपाय है, तो यहाँ पे हम इसको जब हल करते हैं 2x प्लस 1 बटा 3x बराबर 5 दिया हुआ है, यहाँ पे जब इसको हम हल करते हैं तो हो जाएगा 3x हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, यानी 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15x। चलिए इसको हम निकाल के रखेंगे। अब आगे यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग अगर बैठाते हैं यहाँ पे दिले हैं 5x अब बटा इसको सजाते हैं तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 20x, अब ऊपर 5x को 5x छोड़ देते हैं और 6x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना लिया है 15x प्लस 20x, यानी 5x अब बटा 35x x का दिया 5 से 7 में यानी 1 बटा 7, यानी 2x प्लस 1 बटा 3x बराबर 5 है, तो 5x बटा 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 का वैल्यू 1 बटा 7 हो जाएगा। और भी हम लोग उदाहरण लेते हैं जो प्रीवियस पीछे के एग्जाम में पूछ चुका है वही सवाल को हम लोग अभी लेते हैं। यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर फाइव, तो सवाल है 2x बटा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर वन। इसको हल करने के लिए हमें इसको 2x बटा नीचे से हम x कॉमन कर लेते हैं तो बचे है क्या 3x अब माइनस 5 अब प्लस 3 अब बटा एक्स, अब यहाँ x से x कट जाएगा ऊपर बचेगा 2 और नीचे जब सरिया के लिखते हैं तो 3x प्लस 3 बटा एक्स माइनस 5, अब यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा तो 2 अब बटा 3 कॉमन करते हैं तो x प्लस 1 बटा एक्स माइनस 5, अब यहाँ पे 2 बटा 3 तो ये रह जाएगा, इधर बच जाएगा क्या x प्लस वन बटा एक्स, x प्लस वन बटा एक्स का मान हम लोग जानते हैं कितना, या इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 2 अब बटा 3 इन टू एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान कितना है 5 अब माइनस 5, यानी 5 से 15 में से 5 गया तो 10, यानी कि 2 अब बटा 10 अब बराबर 1 अब बटा 5। सिमिलरली और भी सवाल इस पर हम लोग कहीं को ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा टाइप में हम लोग आते हैं।
यदि 3x प्लस 1 बटा 2x बराबर 5, तो सवाल है 8x क्यूब प्लस 1 बटा 27x क्यूब बराबर 1, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 3 है, अगर क्यू करते हैं तो 27 हो जाएगा, है 8, यहाँ पे 2 है, क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, है 27, माने एक दूसरे के विपरीत है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग को यहाँ पे ये 3x प्लस 1 बटा 2x बराबर 5 है, दोनों तरफ यहाँ पे 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग को 2 लाना है ना, तो गुना करना है, तो गुना क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे हम लोग अगर 2 बटा 3 से, दोनों तरफ हम गुना करते हैं 2 बटा 3 से, गुना करने पर तो जब 2 बटा 3 इंटू 3x प्लस 1 बटा 2x बराबर 5 और गुना 2y, अब यहाँ से ये दोनों गुना होगा तो 2/3 गुना 3x अब प्लस 2/3 गुना 1/2x बराबर 10/3, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2x प्लस 1/3x बराबर 10/3। अब यहाँ से 2x प्लस 1/3x बराबर 10/3 आ गया, हम लोग को निकालना है 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ घन करने पर जब दोनों तरफ घन करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 1/3x के होल क्यूब बराबर 10/3 के होल क्यूब। अब यहाँ से 2 का क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब प्लस बी क्यूब 1/27x क्यूब प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3 × 2x गुना 1/3x आई टू एक्स प्लस बी ए प्लस बी यानी 2x प्लस 1/3x बराबर 1000/27 हो जाएगा। अब जब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा 2x प्लस 1/3x 2x प्लस 1/3x का मान दिया हुआ 10/3 यानी 8x क्यू प्लस 1/27x क्यू आ प्लस यहाँ से 3 से 3 भी कट जाएगा तो 2 × 10/3 अब बराबर 1000/27। अब तो कट पिट होगा ना, ऊपर ले जाएगा घटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 8x क्यू प्लस 1/27x क्यू बराबर 1000/27 माइनस 20/3 यानी 8x क्यू प्लस 1/27x क्यू बराबर लघुत्तम हो जाएगा 27 1000 एकरा से 3 बार 9 बार इससे 9 × 9 = 18 तो हो जाएगा 8x क्यू प्लस 1/27x क्यू बराबर 180 क्या तो हो जाएगा 820/27 यानी जब एक्स 3x प्लस 1/2x बराबर 5 दिया हुआ है तो 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 820/27 हो जाएगा। सिमिलरली और भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, कई तरह के सवाल इस तरह का पूछा गया है परीक्षा में। जैसे फिर से लेते हैं, यदि x प्लस 1/2x बराबर 2, तो सवाल है 8x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 1, तो फिर से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं, x प्लस 1/2x बराबर 2 है, दोनों तरफ 2 से
गुणा करने पर, जब दोनों तरफ दो से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2i इंटू एक्स प्लस 1 बटा 2x बराबर 2i गुणा 2 2x प्लस 1 बटा x बराबर 4। अब दोनों तरफ घन कर देते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, जब घन करेंगे तो 2x प्लस 1 बटा x के होल क्यूब बराबर 4 के होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब प्लस 3 गुना 2x गुना 1 बटा x आई इंटू हो जाएगा 2x प्लस 1 बटा x अब बराबर 4 का क्यूब 64। यहाँ से एगो x कट जाएगा तो हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब अब प्लस 6 गुना 2x प्लस 1 बटा x 2x प्लस 1 बटा x का वैल्यू 4 अब बराबर कितना हो जाएगा, इधर 64 है तो छोट छोट 24 उधर ले जाएगा घटावेंगे तो 8x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब बराबर 64 माइनस 24 यानी 8x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब बराबर हो जाएगा 40। इसी तरह से कोई भी इस तरह का सवाल अगर हो तो हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अभी और कुछ प्रीवियस सवाल हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह का सवाल है कि x प्लस 1 बटा x अब माइनस 2 बराबर 4, तो सवाल है कि तो निकालिए कि x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 बटा x माइनस 2 के या क्यों निकालना, क्यों बराबर व्हाट क्या होगा। तो हम बोले थे कि उसको इसी रूप में लेके आ रहे थे, यहाँ पे तो x में 2 घटा हुआ इसमें है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों यहाँ पे x प्लस 1 बटा x माइनस 2 बराबर 4 है, दोनों तरफ 2 घटाने पर, जब दोनों तरफ 2 घटाते हैं तो आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 बटा x माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 यानी हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 बटा x माइनस 2 बराबर 2। अब यहाँ पे देखिए आ गया होगा x प्लस 1 बटा x बराबर 2, जब x प्लस 1 बटा x बराबर 2 होता है तो उसके क्यों निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि 1 क्यूब माइनस 3 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 का क्यूब प्लस 1 बटा x माइनस 2 के क्यू बराबर 2 का क्यू माइनस 3 गुना 2 यानी 8 माइनस 6 बराबर 2। तो इसी तरह से और भी कई सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, इस रूप में ज़्यादातर सवाल इसी रूप में आता है और लगभग एसएससी के हर एग्ज़ाम में इससे एक सवाल आते रहता है। और ये जो आज का सवाल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था एसएससी के लिए, इसलिए हम आशा करते हैं कि इसको आप बहुत बढ़िया से ध्यान से इसको अध्ययन करिएगा ताकि परीक्षा में अगर सवाल पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं। चलिए कुछ और एक दो को उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। अब जैसे इसी में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, आज सवाल कहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स यहाँ पे है उस रूप में नहीं है, तो हम बोले थे कि इसको तोड़ तड़ के इस रूप में लाना है, तो इसको तोड़ तड़ के लाएंगे कैसे, तो देखिए हम करते हैं क्या कि दोनों तरफ x से भाग देने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बटा x बराबर 0 बटा x
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस फोर एक्स बटा एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर जीरो बटा एक्स, जीरो हो जाएगा। एगो एक्स कट गया, एगो एक्स से एगो एक्स कट गया, तो एक्स माइनस फोर प्लस एक बटा एक्स बराबर जीरो। चार को उठाकर ही पट लेके चलते हैं, तो एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर चार। जब एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर चार आ गया, तो क्यू निकालने के लिए फार्मूला हम लोग के पास है एक्स क्यू प्लस एक बटा एक्स क्यू बराबर चार के क्यू माइनस तीन गुना चार, यानी चौंसठ माइनस बारह बराबर हो जाएगा बावन। इस तरह से इसको हम लोग कोई भी रूप में अगर दें, इस तरह का सवाल किसी भी रूप में अगर है, तो हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे कितना बड़ा क्यों ना उसको आसानी से छोटा करके हल कर सकते हैं। खाली ध्यान रखना है कि मेथड के इसको हमको इस रूप में लेके आना है, चाहे जैसे लाए तोड़ने में गुना करें, जोड़ करें, घटाव करें या भागा करें, कुछ भी करें, हमको तोड़ ताड़ के इस रूप में लाना है। तो आशा करते हैं कि ये जो आज का पार्ट टू था वो आप सीख गए होंगे। चलिए आज पार्ट टू में इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगला जो प्रीवियस होगा वो पार्ट थ्री में लेकर आएंगे। अगर ये समझ में आया होगा या कुछ समझ में नहीं, जो भी समझ में नहीं आया होगा वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।